वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सुजीत मिश्रा स्वागत करता हूँ समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सब रोज इस टाइम पे मिलते हैं अपने एक शानदार सेशन के साथ, जिसमें हम लोग 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे लेके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए हूँ उसको देख लेते हैं। आज आपका जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगा वो ये है, जरा पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आपसे पूछ रहा है कि इन चार वर्ड्स में किसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है, तो सॉरी कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस की स्पेलिंग सही है, अप्रूव की स्पेलिंग सही है, प्रेजेंट की स्पेलिंग सही है, यानी बचा क्या डिलीसेस। तो ये डिलीसेस की स्पेलिंग गलत है, आपसे पूछा है इनकरेक्टली। एग्जाम में देखिएगा वो करेक्टली बोल रहा है या इनकरेक्टली, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा देख लेते हैं, DELI। अब यहाँ पे CE लिखा हुआ है, आपका स्पेलिंग CIOUS होता है, डिलीसेस कहा जाता है इसको, यानी इसका अर्थ होता है बहुत ही जायकेदार, स्वादिष्ट या खाने में टेस्टी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। कह रहा है जो सबसे सटीक एंटोनिम हो वही बताइए, विलोम, उल्टा, अपोजिट। वर्ड दिया है हम्बल, जिसका अर्थ होता है उदार, सरल, सौम्य, ठीक है ना। अब मॉडेस्ट इसी का सिनोनिम है, लेकिन हमसे कह रहा है कि उल्टा, जो उल्टा हो उसी का लेंगे, बोरिंग भी नहीं होगा। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, ठीक है ना। फेयर का मतलब होता है उचित भी होता है, गोरा भी होता है, ठीक है ना, जो लुक में अच्छा हो उसके लिए भी फेयर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम्बल का एक वर्ड है उल्टा है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है जो बहुत घमंडी हो, बहुत तानाशाही नेचर का हो, उसे हम बोलते हैं क्या, एरोगेंट। तो हम्बल का मतलब होता है उदार और एरोगेंट का मतलब होता है अनुदार, या यूं कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट, ठीक है ना। तो जो सरल व्यक्तित्व का है वो हम्बल है, जो बहुत ही इगोइस्ट नेचर का है वो एरोगेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा सा पढ़ते हैं, दिस न्यूज़पेपर हैज़ अ बिगर सर्कुलेशन फ्रॉम एनी अदर न्यूज़पेपर। देखो बेटा, एक रूल है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जैसे टॉलर, बिगर, ठीक है ना, स्मार्टर, लार्जर, बिगर। तो तुलना जिस चीज़ से की जाती है उसके पहले हम लोग एक प्रीपोजिशन लगाते हैं देन, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ आई एम टॉलर देन यू, यू आर स्ट्रॉन्गर देन हिम, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री में ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव। अब जिस चीज़ से तुलना की जा रही है अन्य न्यूज़पेपर से, तो यहाँ पे लगाया गया है फ्रॉम, बल्कि यहाँ होना चाहिए था देन। तो गलती इसी हिस्से में है। अब ये हिस्सा सेंटेंस के किस पार्ट में लिखा हुआ है ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ गलती है, यहाँ पे होना चाहिए देन। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम, बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है, पूरे सेंटेंस में गलती नहीं बताई जानी है। जो पार्ट अंडरलाइन है क्या वो ग्रामेटिकली फिट है, अगर हाँ है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पार्ट ग्रामेटिकली अनफिट है तो आपको जो फिट ऑप्शन है वो चुनना होगा। जिस भी ऑप्शन को चुनेंगे माना जाएगा वो यहाँ आएगा, उसी से ये इम्प्रूव होगा। तो देख लेते हैं, फार्मर वॉज डिप्राइव्ड। देखो डिप्राइव एक ऐसा वर्ड है बेटा जो अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, ऑफ, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात होती है। जैसे अगर हम कहें डिफरेंट फ्रॉम, एडिक्टेड टू,
उसी तरीके से डिप्राइव के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगना चाहिए और इसने लगा दिया है फ्रॉम, तो जिसमें डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, वंचित होना, किसी चीज से वंचित होना, मतलब वो चीज आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। फार्मर्स वॉज, अब ये सी वाली बात यहाँ पे आनी चाहिए, डिप्राइव्ड ऑफ हिज लैंड बाय द मनी लैंडर, साहूकार ने फार्म किसान को उसके जमीन से उसे वंचित कर दिया, यानी उसको जमीन नहीं मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब कि आपको वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। वन हु डिसबिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व के बारे में, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करता, यानी उसका यह मानना है कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, अथीस्ट, अनिश्वरवादी, ठीक है ना। हिंदी बोलते हैं नास्तिक, क्या बोलते हैं नास्तिक, ठीक है ना, अथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है, देखो थीस्ट जो है इसका मतलब आईएसटी लग जाए तो ये वो व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जिसमें ईश्वर, ईश्वर देखो थीस्ट जो होता है वो ईश्वर में विश्वास करने वाला, उसका ठीक उल्टा अथीस्ट होता है। हाँ, तो थीस्ट का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पॉलीथीस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कई ईश्वर में विश्वास करता है, बहुदेववादी कहते हैं, ठीक है ना। मोनोथीस्ट का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करने वाला। थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या करता है, अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं थियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कह रहा है कि वन हु डिसबिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो गॉड के अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करता, यानी गॉड के अस्तित्व को नकारने वाले व्यक्ति को कहते हैं नास्तिक या अथीस्ट, ठीक। आगे ये सेंटेंस लिखा है, इसको अंडरलाइन किया गया है, अब फिर से आपके सामने वही क्वेश्चन है जिसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको देखना है कि अंडरलाइन पार्ट अगर जैसे लिखा है वैसे सही है तब तो ठीक है, तब तो कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये करेक्शन रिक्वायर्ड है तो कौन से ऑप्शन से करेक्शन रिक्वायर्ड है पहले देख लेते हैं। पहले पूरे का पूरा सेंटेंस आप पढ़िए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी वर ऑन ग्रोथ फाइनेंसिंग। अगर आप देखें तो यहां पे वर का जो सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट मीटिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसी के हिसाब की वर्ब यानी एग्री करता हुआ वर्ब आना चाहिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से यहाँ क्या आना चाहिए, वॉज ऑन द ग्रोथ ऑफ फाइनेंसिंग, और ये लिखा हुआ है ऑप्शन बी में वॉज ऑन द ग्रोथ ऑफ फाइनेंसिंग, यानी अंडरलाइन पार्ट की जगह हमें क्या लेना है, ये चीजें लेना है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, जिसे हम लोग बोलते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, सेम मीनिंग वर्ड, ठीक है ना, सेम मीनिंग वर्ड। कह रहा है इररेगुलर, रेगुलर मतलब जो नियमित हो, नित्य हो, एक निश्चित अंतराल पे घटित होने वाली कोई भी घटना अथवा कार्य को हम बोलते हैं रेगुलर, इसका ठीक उल्टा होता है इररेगुलर, जो आज जैसा है वैसा कल ना रहे, जैसा कल है वैसा परसों, तभी तो अनियमित है। तो इररेगुलर का सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम पूछा है पर्याप्त क्या हो सकता है, देखो इररेगुलर का सिनोनिम होगा अनइवन, क्या होगा अनइवन, इवन का मतलब रेगुलर होता है, इवन माने समतल भी होता है, ठीक है ना, और अनइवन का मतलब होता है
इरेगुलर या अनियमित, आ यूजुअल, कॉमन और स्मूथ, ये लोग इसके सिनोनिम नहीं हो सकते, क्योंकि यूजुअल जो अधिकांशता है देखा जाए तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है, लेकिन सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम पर्यायवाची यही होगा अनइवन, ठीक है ना। अनइवन मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित, ठीक है ना, जो अपने सिस्टम से नहीं है। आगे है, द ओल्ड मैन हैज अर्न द ऑफसेटिंग डिस्प्यूट पीसफुली। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कमाया है, क्या कमाया है, अब रिनाउन तो वर्ड सही नहीं है, रेपुटेशन, रेजिस्टेंस, रेस्टोरेशन, तो यहां करेक्ट ऑप्शन होगा रेपुटेशन। ये क्यों सेट हो रहा है, द ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग ने कमाया है, क्या कमाया है, रेपुटेशन, ख्याति कमाया है, सेटिंग डिस्प्यूट्स पीसफुली, उस व्यक्ति ने एक ऐसी ख्याति कमाई है जिससे कि ये कहा जाता है कि वो आदमी किसी भी झगड़े को, डिस्प्यूट को बहुत ही शांति से सुलझा देता है। तो शांति से झगड़े सुलझाने का जो ख्याति है उसने कमाया है उस बुजुर्ग ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। ये एडियम दिया हुआ है स्टॉर्म इन अ टी कप। अब देखे शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो इसका है कि चाय के कप में तूफान, तो ये तो है नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंगर और फस अबाउट समथिंग ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है, ऐसे हिंदी में एक ना बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ मतलब छोटी सी बात को एकदम बड़ा करके बता देना, ठीक है ना। तो किसी भी छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देने को ही क्या बोलते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। एंगर और फर्स अबाउट समथिंग ट्राइवियल, ट्राइवियल मतलब होता है जिसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, जिस पार्ट में एरर है वो पार्ट आपका आंसर है, जरा देख लेते हैं। द न्यूज रिपोर्टर्स हाईलाइटिंग द मिस्टीरियस डेथ ऑफ द फिल्म एक्टर रिपीटेडली। जरा आप गौर करिए बेटा, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट न्यूज रिपोर्टर है तो इसके बाद आना चाहिए वर्ब, और अगर ये मान लीजिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो इसके पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, यानी यही गलत है, या तो यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर इज हाईलाइटिंग हो सकता है, या ये या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और अगर हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगा पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाईलाइटेड। तो करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे गलती आपको दिखानी है वो है हाईलाइटिंग, यहाँ पे ये या तो हाईलाइटेड होगा या इज हाईलाइटिंग होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से आ गया आपके सामने, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो सकता, वन हु सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा हाल में जो पर्यवेक्षण का काम करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हिंदी में तो पर्यवेक्षक कहते हैं। आप देखते नहीं, आप परीक्षा देते रहते हैं और आप क्लास में घूमते रहते हैं कि कोई चीटिंग न करे, कोई नकल न करे, कोई अनफेयर चीज़ों का इस्तेमाल न करे, तो उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को, देखो वर्ड दिया है एग्जामिनेशन हॉल में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनविजिलेटर, क्या बोलते हैं उसको, इनविजिलेटर, पर्यवेक्षक। एग्जामिनी वो होता है जो परीक्षा देता है, परीक्षार्थी, ठीक है ना। टीचर आप जानते हैं शिक्षक को कहते हैं। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, जो निरीक्षण करता है, जांच पड़ताल करने आता है उसे निरीक्षक कहते हैं, वो होता है इंस्पेक्टर, ठीक है ना। आगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि पिक्चर्स गिवन इन अ बुक
फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, कह रहा है किताबों में जो बगल कोई बात जैसे लिखी है, हाँ, इस लिखी हुई बात के बगल में कोई तस्वीर बना दी जाती है ऐसे, ताकि इस बात को जो लिखा है इसको बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो इस तरह के जो पिक्चर्स बगल में दिए जाते हैं उन पिक्चर्स को क्या बोलते हैं? उन पिक्चर्स को बोलते हैं इलस्ट्रेशंस, दृष्टांत। क्या बोला जाता है? इलस्ट्रेशंस। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, आप कोई चीज़ बुक वगैरह पढ़िए, मान लीजिए किसी सिक्कों के बारे में सपोज आप पढ़ रहे हैं, तो सिक्के अलग अलग समय के अलग अलग सिक्कों की फोटो दे दी जाती है बगल में। तो ये जो उदाहरण के तौर पे दिए जाने वाले तस्वीर वगैरह होते हैं उन्हें बोला जाता है इलस्ट्रेशंस। क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशन। डेकोरेशन का मतलब और ऑर्नामेंटेशन का एक ही मतलब है, जिसका अर्थ होता है सजावट। क्या होता है? सजावट। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। क्या होता है? प्रदर्शन। ठीक है ना, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इलस्ट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहां पे एडियम दिया हुआ है, इस एडियम को क्या आप इसके लिए क्या अर्थ निकलता है जरा देखिए। टू लेट समवन ऑफ, ठीक है ना, लेट समवन ऑफ का मतलब होता है किसी को हल्का, लाइटली, मतलब हल्का दंडित करना, मतलब बहुत उसको कड़े दंड न देना, उसको हल्का पनिशमेंट देकर छोड़ देना कहलाता है टू पनिश समवन लाइटली। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ हल्के फुल्के अपराध किए, तो सजा का मकसद होता है अपराधी को उस अपराध का एहसास कराना। तो आपने केवल इसलिए सजा दिया ताकि इसको ये एहसास हो जाए, और हल्का सजा दिया ताकि इसको ये तकलीफ ना हो, तो इसका मतलब होता है टू लेट समवन ऑफ। ठीक है ना, आगे, यानी टू पनिश समवन लाइटली, किसी को बहुत ही हल्के दंड से दंडित करना। आगे, फॉलोइंग सेंटेंस, एक बार फिर से एक सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और पूछ रहा है एरर किस पार्ट में है, तो आपको बताएं एरर है यहां पे टू फाइंडिंग नहीं होना चाहिए। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तब ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव। हाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू फाइंडिंग की जगह टू फाइंड होना चाहिए, और ये टू फाइंडिंग वाला पार्ट ए में लिखा है, यानी गलती हम कहाँ दिखाएंगे बेटा? पार्ट ए में। ठीक है ना, अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Several companies have come up with the technology at prices to suit consumers of all segments. देखो, कह रहा है बहुत सारी कंपनियां आई हैं, come up with the technology, अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके आई हैं, at prices, मतलब कैसा prices? अरे भाई, ऐसा prices जो consumer को suit करे, हर segment में, हर क्षेत्र में suit करे। तो प्राइस जब सूट करेगा तभी आप, अगर आप मान लीजिए ग्राहक हैं, तो ग्राहक हैं तो आपको प्राइस अफोर्डेबल, मतलब खरीदने योग्य, जिसका आप वहन कर सकें, ऐसी प्राइस आपके लिए रखी जाए ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अफोर्डेबल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो यहाँ पे आना चाहिए एट अफोर्डेबल प्राइस, यानी ऐसी कीमत जिसका आप वहन कर सके, जिस को आप ले सकें। ठीक है ना, आगे, अब यहां पे एक बार फिर से आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी क्लोज टेस्ट का पैसेज है, हम लोग रोज सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अक्सर मैं कहता हूं कि जब भी इस तरह का पैसेज आया करे ना, छोटा सा ही है, तो आप पहले सरसरी निगाह से पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए खाली स्थान के साथ, उसके बाद ऑप्शन को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या किस तरह से भरना होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में, कह रहा है ब्लैंक नंबर वन को फिल करिए ना, तो यहाँ पे दिया है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड एंड वन ए, क्या लिखना है देखते हैं।
बायो स्केच इज ब्रीफ समरी। बायो स्केच जो होता है किसी की तस्वीर देख के ऐसे तस्वीर बना देना, उसको बायो स्केच कहते हैं। ठीक है, अब बायो स्केच तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रीफ समरी ऑफ अ पर्सन्स प्रोफेशनल। तो बायो स्केच इज क्या आना चाहिए यहाँ पे, अ ब्रीफ मतलब एक बहुत ही छोटा समरी होता है ऑफ अ पर्सन प्रोफेशनल्स। अब खाली स्थान नंबर दो में भरने के लिए कौन सा वर्ड आया है जरा देख लेते हैं, अनोयंस, एस्टेब्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट्स, एडवेंचर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था बायो स्केच इज अ ब्रीफ समरी ऑफ अ पर्सन प्रोफेशनल। अब पर्सन के प्रोफेशनल और आगे क्या आ गया, अनोयंस तो आएगा नहीं, ठीक है ना, ये अनोयंस वर्ड फिट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट होता ही नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ सेफ नहीं है, लेकिन अकम्प्लिशमेंट यहाँ पे जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोफेशनल प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट, इसका मतलब होता है प्रोफेशनल निपुणता, ठीक है ना, उसमें एक्सपर्टाइज जो होता है वो होता है आपका प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट, ठीक है ना, आप इसे अचीवमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू में क्या आएगा, खाली स्थान नंबर दो में आएगा सी वाला ऑप्शन। आते हैं ब्लैंक नंबर तीन में, ब्लैंक नंबर तीन में भरने के लिए आपके पास चार वर्ड हैं, ऑफ है, फ्रॉम है, टू है, अबाउट है, और ये चारों प्रेपोजिशंस हैं। देखिए प्रेपोजिशन भरना आसान भी होता है इसलिए क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन कौन से फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो आप इनको भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट इज मींट, मींट के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू आता है जो कि कहाँ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। इट इज मींट टू हाईलाइट, अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है तो टू लेना ज़्यादा उचित है क्योंकि और कोई चीज़ लेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म डिमांड करेगा, टू ले लेंगे तो ये इन्फिनिटिव बना देगा, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। आते हैं ब्लैंक नंबर फोर में क्या भरा जाएगा, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, एस्पेक्ट्स दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना, एस्पेक्ट माने होता है पहलू, किसी चीज का इम्पॉर्टेंट पक्ष पहलू होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, खाली स्थान नंबर पाँच में फिल करने के लिए आपके पास जो वर्ड हैं, एरियाज हैं, सेक्शंस हैं, स्पेस है, सरफेस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपके इंटरेस्ट का, आपके रुचि का जो क्षेत्र है, तो ज़्यादा उपयुक्त शब्द जो है आपको फिल करने के लिए यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ए भरा, ए लगाया था, दूसरे पर हम लोगों ने अकम्प्लिशमेंट यूज किया था, याद होगा आपको अकम्प्लिशमेंट का मतलब यहाँ पे है अचीवमेंट से, एंड रिकॉग्निशन इट इज मींट, यहाँ पे टू लगाया था ताकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्फिनिटिव बना ले, और चौथे स्थान पे हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स लिखे थे, पांचवें स्थान पर हम लोगों ने एरिया लिखा था। तो ये रहा आपके चारों वर्ड्स। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए इंग्लिश में कुछ न कुछ पढ़ने की हैबिट बनाते रहिए, ये हैबिट ही आपको इस तरह के प्रश्नों को फिलअप करने में हेल्प करेगा, ग्रामर भी आपको हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग आज का क्वेश्चन बेटा कवर अप किए, और ये रहा आज का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत कम्फर्टेबल फील किए होंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ की लगता है कि आपको वो डाउट क्रिएट कर रहा है तो आगे आने वाले समय में हम लोग कल क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, आप बेहतरीन तरीके से क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।